काशी विद्यापीठ से छात्रों के लिए आई बड़ी खबर। जी हाँ, कोरोना वायरस से जूझ रहे पूरे देश के लोगों को इससे बचाने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में सभी शिक्षण संस्थान भी पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ भी पूरी तरह से बंद है। संकट के काल में छात्रों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब कुलानुशासक डॉक्टर संतोष गुप्ता ने दिए। उन्होंने बताया कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभी गेट पूरी तरीके से बंद कर दिए गए, जिसमें बाहर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। 90 से बढ़ने के लिए जहां तक कैंपस का सवाल है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी हमारे यहाँ है। बिल्कुल आवाजाही बाहर से बिल्कुल बंद कर दी गई है। कोई वस्तु भी किसी को लेना है तो गेट तक जाता है, संबंधित व्यक्ति वहाँ से लेकर आते हैं। और सर, ये जो बात कर रहे हैं लोग कि अब परीक्षाएं सब कैंसिल हो गई हैं, पढ़ाई बंद हो चुकी है, इसको नहीं हुई है, इसको पोस्टपोन किया गया है, जो कि राज्य सरकार का सख्त आदेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है लॉकडाउन के लिए। इसको देखते हुए माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार, राज्य सरकार के आदेशानुसार, अगले समय तक, जब तक कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन है, परीक्षाएँ स्थगित की गई हैं। उसके बाद नया फ्रेश एक पूरा शेड्यूल बनेगा, उसके अनुसार सारी परीक्षाएं कराई जाएंगी। लोग कैसे जो ई लर्निंग के माध्यम से, चूँकि राज्य BUGC का डायरेक्शन है, माननीय कुलपति जी का डायरेक्शन है, आदेश है, उसके बिहाफ पे ऑलरेडी जो हमारा वेबसाइट है उस पर सभी सम्मानित शिक्षकगण अपनी ई लर्निंग के लिए अपने मटेरियल को उस पर पोस्ट कर रहे हैं और सभी विद्यार्थीगण उसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हॉस्टल के जो इसमें स्पष्ट आदेश है, सभी अवगत भी, सभी छात्र छात्राएं अवगत है जो भी हॉस्टल्स में रहते हैं, कि अगले आदेश तक के लिए पोस्टपोन किया गया है। जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा, सब अपने छात्रावास वापस आ जाएंगे और जैसे रूटीन वर्क चलता था वैसे चलेगा। एक चिंता उनमें ये है, चिंता ये प्रिजम्पशन है, लोगों ने अज्यूम कर लिया कि अगले 3 महीने चले, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने तक की जो व्यवस्था की है, सभी गरीब तबके से लेकर जो भी उसके लिए आवंछित तत्व, जो उनको जिनको आवश्यकता है उसके लिए किया गया है, लेकिन ऐसा उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी किसी विद्यार्थी को भी। जो भी दिशा निर्देश है वो स्पष्ट है और समय समय पर विश्वविद्यालय अपने स्रोतों से, अपने मीडिया के माध्यम से सबको अवगत करा रहा है। तथा पठन पाठन बंद होने की स्थिति में ऑनलाइन ई लर्निंग की व्यवस्था की जा रही है। छात्रावास खाली कराने तथा उसमें आइसोलेशन वार्ड बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी निर्देश जिला प्रशासन की तरफ से नहीं आया है। छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे ही स्थिति सामान्य होती है सभी छात्रों को हॉस्टल बुला लिया जाएगा और सभी गतिविधियां बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम पूरे परिसर में किए गए हैं तथा हर जगह सैनिटाइज भी किया जा रहा है। रिपोर्टर पेज की खास रिपोर्ट। देश COVID-19 यानी कोरोना वायरस के कारण अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे संकटपूर्ण दौर में हमें अपनी रचनात्मकता बढ़ाते हुए मनुष्यता के पक्ष में कार्यकलापों को पुनर्निर्धारित और पुनर्संयोजित करना चाहिए। संक्रमण के दौर में विज्ञान और शिक्षा संसार की अद्वितीय उपलब्धि ई लर्निंग वरदान की तरह है। अकादमिक यात्रा को बनाए रखने में निसंदेह ई लर्निंग की सकारात्मकता हमारी सामर्थ्य में बढ़ोतरी करेगी। विद्यापीठ इस दिशा में अपने सकारात्मक प्रयासों के साथ उपस्थित है। वह संक्रमण के दौर में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुहैया करवा रहा है ताकि विद्यार्थी घर बैठे अपनी पढ़ाई लिखाई जारी कर सकें। ई लर्निंग का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। इसे और बेहतर ढंग से समझें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डिजिटल मीडिया के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना ही ई लर्निंग सामान्य शब्दों में कहा जाता है। ई शिक्षा के अनेक रूप हैं, जिनमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग तथा मेल द्वारा लर्निंग है। कंप्यूटर आधारित लर्निंग वर्चुअल क्लासरूम या टीचिंग के अर्थ में समझा जा सकता है। सालों पहले इस लर्निंग की संकल्पना आई थी तब दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी। जैसे जैसे तकनीकी और ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रक्रिया में सुधार हुआ, ई लर्निंग और लोकप्रिय होता गया। महात्मा गांधी
काशी विद्यापीठ ने पिछले दिनों अपने वेबसाइट को जिस अंदाज में अर्थपूर्ण और रोचक बनाया है, उसकी छवियां अनेक दिशाओं में विस्तारित हो रही हैं। इस बात का सहज अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि लाखों जिज्ञासाओं द्वारा वेबसाइट का अवलोकन किया जा रहा है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के विभिन्न विभागों में कार्यरत अध्यापक अध्यापिकाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपने ई संसाधनों जैसे पावर पॉइंट प्रस्तुतियां, ऑडियो वीडियो व्याख्यान के साथ अपने लाखों विद्यार्थियों के से निरंतर एकेडमिक संवाद के लिए उपस्थित हैं। विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे संबंधित सामग्री का अवलोकन करते हुए मेल संवाद कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करें। इस संकट के इस दौर में अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वे विद्यार्थियों द्वारा उठाई गई जिज्ञासाओं तथा प्रश्नों का समाधान मेल द्वारा संपन्न करने का प्रयास करें। फिलहाल हमारी वेबसाइट पर विभिन्न विभागों द्वारा 100 के करीब पीपीटी और 17 वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं। मैं विद्यार्थियों से एक बार पुनः आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे अपने घरों में रहें और विश्वविद्यालय द्वारा जिन जिन पाठ्यक्रमों में पीपीटी तथा ऑडियो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं उनका अवलोकन करने का कष्ट करें तथा जिन विषयों में उन्हें और भी जिज्ञासा है उसके लिए भी वो ईमेल द्वारा सूचना दें और उन संसाधनों को भी अपने वेबसाइट पर लोड कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे शिक्षक बंधु निरंतर प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।